नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रास्ता नहीं जय मंत्रा के अंदर। और कल रात को जो है वो आरपीएससी ने उद्योग प्रसार अधिकारी की जो पोस्ट निकाली थी उसके लिए जो है वो सिलेबस जारी किया है। तो देखिए क्या है सिलेबस, देखते हैं। चलिए, उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम है और सभी के लिए, जैसे जो इसके अंदर अलग अलग पोस्ट, जैसे लवण निरीक्षक है, ऐसे अलग अलग पोस्टों के लिए जो है वो अलग अलग ही सिलेबस दिया है जो इसके अंदर सारा हम देखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं कि परीक्षा की स्कीम क्या है। कि इसके अंदर जो उद्योग प्रसार अधिकारी है उसकी बात कर रहे हैं हम अभी, तो इसके अंदर जो है वो पेपर को चार भागों में बांटा गया है। भाग ए के अंदर आएगा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, जो कि 40 अंक का होगा। भाग बी की बात करते हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी जो 20 नंबर की होगी। भाग सी के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था एवं दैनिक विज्ञान होगी, जिसके अंदर विज्ञान के भी क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था के, टोटल मिला के 20 अंकों के इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन आएंगे। भाग नंबर चार की बात करें तो इसके अंदर तार्किक और आधारभूत संख्यात्मक अभियोगिता, यानी इसके अंदर कुछ टॉपिक रीजनिंग के और कुछ जो है वो मैथ के मिला के 20 अंकों के जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गए भाग ए 40 नंबर का, भाग बी 20 का, भाग सी 20 का और भाग द भी 20 का। कुल अंक 100 का होगा और समय रहेगा 2 घंटों का। प्रश्न पत्र पर सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे क्यों। और परीक्षा के अंदर न्यूनतम जो है वो उत्तीर्ण होने के लिए 40% आने अनिवार्य है। जो कैंडिडेट 40% नहीं ला पाता है वो परीक्षा के लिए योग्य नहीं होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा के अंदर राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल राजवंश संबंध, स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताएँ, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं रचनाएँ, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, राजस्थान के प्रमुख चित्रकला शैलियां, हस्तशिल्प, राजस्थान भाषा एवं साहित्य के प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान संस्कृति परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, जन आंदोलन, कृषक जनजाति आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। और बात करते हैं भूगोल में क्या आएगा, राजस्थान के विस्तार, जो कि राजस्थान की भूगोल की अपनी क्लासें अभी चल रही है जिसके अंदर ये जो पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये जो है वो पूर्ण हो गया है और अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद दो नंबर टॉपिक है इसकी मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु और मृदा। दोस्तों राजस्थान भूगोल की क्लासें चल रही है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लगभग 6 वीडियो डाल दिए गए हैं जिसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो पूर्ण हो गया है स्थिति और विस्तार वाला। भूगोल के अंदर आगे जो है वो है प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर आएगा अर्थव्यवस्था का विशेष संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की कृषि, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में सेवा क्षेत्र, समृद्धि विकास एवं आयोजन, आधारभूत संरचना और संसाधन, विकास परियोजनाएं, राजस्थान में गरीब व बेरोजगारी, राजस्थान में सार्वजनिक निजी साझेदारी द्वारा संचालित परियोजनाएं, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और राजस्थान का बजट, निर्माण प्रक्रिया, चालू बजट का प्रावधान, जो अभी बजट अभी हाल ही में पेश किया गया था। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधान सभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य महिला आयोग के बारे में। दो नंबर पॉइंट इसमें आगे लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं नगरीय निकाय, मुख्य विशेषताएँ, संरचना, शक्तियाँ, समस्याएँ, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक और राजस्थान राज्य व्यवस्था में के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, महत्वपूर्ण पद चिन्ह, समसामयिक घटनाएं, यानी सामान्य जो करंट जीके है, ये हो गया
राजनीति के बारे में। दैनिक विज्ञान के अंदर आएंगे तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, धातु अधातु, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, मानव मस्तिष्क, हार्मोन, मानव रोग निवारण, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, मानव रोग कारण एवं निवारण, मनुष्य में पाचन, उत्सर्जन संस्थान का प्राण विज्ञान, आनुवांशिक संबंध, डीएनए, आरएनए, मनुष्य के अंतर्स्रावित ग्रंथियां, हार्मोन्स, विटामिन्स, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, रक्त, रक्त समूह, रक्त का थक्का, हृदय की संरचना, एंटीजन, एंटीबॉडी, जैव प्रौद्योगिकी के सामान्य जानकारी आएगी। तार्किक और आधारभूत संख्यात्मक अभियोग्यता की बात करते हैं तो इसके अंदर कथन एवं मान्यता, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कारण एवं कार्य, कारण एवं प्रभाव, गद्यांश से निष्कर्ष निकालना, प्रश्न एवं कथन, विश्लेषण एवं तर्क के अंदर व्यवस्थित करना, दिशा बोध करना, आयु संबंधी संकाय, मानसिक योग्य संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमेल छांटना, कुट वाचन या आएंगे। आधारभूत संख्यात्मक यानी गणित के अंदर प्राकृत संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, दशमलव, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक, नियम, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय दूरी, समय एवं चाल, समय एवं कार्य, आंकड़ों का विश्लेषण, माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेखा चित्र, ये सब जो हो गए ये हो गए उद्योग प्रसार अधिकारी के लिए। अभी तक हमने विस्तृत सिलेबस देखे हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हथकरघा निरीक्षक हेतु जो दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहे तो आप आरपीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यानी टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ आपको आसानी से मिल सकती है। आप टेलीग्राम ऐप को ऑन कीजिए और उसके अंदर सर्च कीजिए राजस्थान एग्जाम मंत्रा और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। हथकरघा निरीक्षक पदों के लिए है सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल 40 अंक का और हथकरघा तकनीक एवं विज्ञान, हैंडीलूम टेक्नोलॉजी और साइंस के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 60। कुल मिला के 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा, प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होंगे और इसमें भी 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम इसके अंदर दिया गया है वही है, लगभग कुछ पॉइंट इसके अंदर हटा दिए गए। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की ऐतिहासिक सभ्यता, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मुगल स्थापत्यकला, महत्वपूर्ण किले स्मारक, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएँ, राजनीतिक, भाषा एवं साहित्य, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, कृषक जन आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जागरण। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो स्थिति विस्तार जो हो गया है, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, प्रदेश, फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण और परिवहन, खनिज संपदाएँ। हथकरघा तकनीक एवं विज्ञान के अंदर आपको ये दे रखा है, देखिए फाइबर एंड आयरन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये करना है, केमिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग के अंदर आपको ये सब देखना है। ये हो गया आपका जो है वो हथकरघा का विस्तृत सिलेबस, काफ़ी बड़ा सिलेबस है और पेपर भी देखिए इसी साल होंगे तो आप तैयारी में अभी आपको जुटना पड़ेगा। लवण निरीक्षक की बात करते हैं तो इसके अंदर भी 100 अंक का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल के 40 अंक और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री 40 अंक की होगी और टोटल 100 नंबर का। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 40% लाना अनिवार्य है। राजस्थान का इतिहास प्रमुख स्रोत जो ऊपर था वही का वही है, सेम टू सेम, भूगोल भी वही है और इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आ जाएगी। केमिस्ट्री की यूनिट 1-2 ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, केमिकल ये जो है वो 5 यूनिट अप से 7, सॉल्ट स्टेट सॉल्यूशन ये सारी जो है वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी यानी केमिस्ट्री आपकी पूरी आ जाएगी इसके अंदर। आगे चलते हैं,
आर्थिक अन्वेक्षक के पदों पर जो भर्ती है उसकी परीक्षा स्कीम है वो ही इसके अंदर है। सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल वही रहेगी जो ऊपर वाले के अंदर थी 40 अंकों की। इसके अंदर दो नंबर भाग जो है वो चेंज हो गया, इसके अंदर आगे स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आपको बता दूँ, आपको जानकर खुशी भी होगी अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि स्टैटिक्स की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है और अभी तक एक जो हमारा पॉइंट वो पूर्ण भी हो गया है स्टैटिक्स का, और इकोनॉमिक्स की क्लास भी चल रही है। तो आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। दोनों ही क्लास काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वही ये जो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक करा रहे हैं। समय के अभाव के कारण जो है क्लास एक दिन में एक क्लास नहीं आके दो दिनों में एक क्लास आ रही है, और हो सकता है कि सैटरडे और संडे को जो आपको एक लंबी क्लास एक से दो घंटे की मिल जाए। तो आप अगर सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स और अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन हमारे चैनल पे, तो उसके लिए भी क्लासें चल रही है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य है। इसका जो इतिहास का और भूगोल का पाठ्यक्रम है वो ही ऊपर वाला है, और जो सांख्यिकी अर्थशास्त्र है ये जो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये जो है सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के जो पॉइंट है वो अभी अपने चल रहे हैं। अभी आज ही वीडियो डाला है कलेक्शन ऑफ डाटा का, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आपका जो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ये सारा आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये आपका जो है वो इसके अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उद्योग प्रसार उद्योग विभाग के अंदर जो भर्ती निकली हुई थी आरपीसी के द्वारा, उसका सिलेबस काफ़ी लंबे टाइम हो गया, बच्चे इंतज़ार भी कर रहे थे सिलेबस का, और सिलेबस अब डिक्लेयर कर दिया है। तो बस तैयारी के लिए जुट जाइए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। इसके लिए हम भी किताबें खंगाल रहे हैं, और अच्छे से अच्छे फैसिलिटी आपको मिले, अच्छे से अच्छा टीचर आपको मिले, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो वही आपको पढ़ाए, ताकि आपको वो अपना अनुभव भी बता सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइब जितने जल्दी हो जाएंगे तब जो है हम सोच रहे हैं कि लाइव क्लासें आपके लिए शुरू हो जाए, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक्स की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, जो भी क्लासें हैं लाइव क्लासें अगर होगी तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है वो उसी टाइम अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, उसी टाइम अपना क्वेश्चन नीचे लिख सकते हैं और उसी टाइम आपके क्वेश्चन का जो है हल हो जाएगा। वैसे आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए आपको फेसबुक के अंदर सर्च करना होगा राजस्थान एग्जाम मंत्रा, और आपको दिखाई देगा फेसबुक पेज, तो वहाँ आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।